इसके बाद अगले सप्ताह में मगही का कार्यक्रम है, इसके बाद वाले सप्ताह में भोजपुरी का है, फिर उसके बाद वाले सप्ताह में मिथिला का कार्यक्रम है। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य एकमात्र है कि उस क्षेत्र की जो भी कला और साहित्य है, जो कलाकार है, वो आपस में मिलकर के ये तय करे कि इसका उत्थान कैसे हो। प्लस जो कलाकार स्थापित हो चुके हैं वो अपने नीचे छोटे बच्चों को, नए कलाकारों को ट्रेन कर पाए कि उसकी ट्रेनिंग के आधार पर हम अपना जो बड़ा साहित्य का जो फलक है उसको और बड़ा कर पाए, देश विदेश तक मंजूषा को, देश विदेश तक झूमर को, झिझिया को पहुंचा पाए, ताकि लोग जाने कि डांडिया नृत्य ही नहीं है, झिझिया भी है जो कि देवी को प्रसन्न करने के लिए ही और उसी नवरात्र के समय किया जाए। तो अपना पूरा आयोजन जी, ये दो दिन का जो कार्यक्रम है इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है? हमारा मैच आज कंटिन्यू है, अभी तुरंत उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है, अब संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पीछे से आरंभ हो गया है, इसके बाद काव्य की गोष्ठी होगी, फिर नाटक है तीन जिसमें दो नाटक अंगिका का है, उसके बाद नृत्य की प्रस्तुति है लगभग 16 और फिर लगभग 12 ग्रुप है जिनके गायन की प्रस्तुति आज होगी। इसके अलावा लगभग 200 मिनट का कार्यक्रम कल सुबह 9 बजे से आरंभ करेंगे और फिर बाद में 2 बजे के बाद संवाद, सम्मान और समापन का सत्र होगा। हम लोग सम्मान के कार्यक्रम में अंग के जो विभूति रहे हैं, 5 वैसे लोगों का जिनका साहित्य में अवदान है बड़ा, नाटक में अवदान है, मंजूषा पेंटिंग में अवदान है, उनको सम्मानित करेंगे। इस वक्त जी अपना शुभ नाम बताएं। संजय कुमार पद्धर, दक्षिण बिहार प्रांत का मामला।